जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या बोल सकते हैं कि आपका फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात देखिए पहले क्वेश्चन का अर्थ क्या है, और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए वक्रता केंद्र, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए और वक्रता त्रिज्या अगर आपका यहां से यहां 10 है तो फोकस दूरी कितना होगा, यहां से आपका 5 होगा, क्योंकि यह क्या हो आधा होता है। इसी चीज को हम लोग को जो है ना यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए बहुत ही सिंपल है, एकदम तुरंत बन जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है ना कुछ लिखा कीजिए, आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, इस तरह का वीडियो आप सभी को चाहिए अथवा नहीं चाहिए, तो जरूर आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका सहमति ही हमारे लिए सब चीज होता है। तो एक क्लास को शुरू करते हैं, और देखिये यहाँ पे क्या कृष्ण दर्पण है, अवतल है। अवतल के बाद आपको हम उत्तल दर्पण में भी सिखाएंगे सिद्ध करने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग कौन किसमें सीखने वाले हैं, अभी हम लोग फिलहाल में अवतल दर्पण में सीखने वाले हैं क्या, कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अथवा बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो आइए इसे हल करते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, एक हम बना लेंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना। यह रहा हमारा अवतल दर्पण, नाम M और N, ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रधान अक्ष। इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से प्रकाश किरणें आएगी, और आप सभी को हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक है ना, कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। और दूसरा क्या था, देखिए ध्यान से, यदि वह देखिए शीर्ष आएगा तो शीर्ष ही लौट जाता है, तो ए और बी आने वाले क्या है, किरणें है, एसी हो गया, एफ हो गया, सब चीज तो हो ही गया, तो आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ये सभी हम लोग जो है ना प्रकाश के परावर्तन में ही सीख चुके हैं। अब यहां सिर्फ सिद्ध करना है हम लोगों को, तो देखिए जो चीज यहां पे है उसी चीज को हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं, माना कि एम एन, एम एन जो है ना एफ फोकस दूरी दूरी एवं आर वक्रता त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद एक किरण आ रही है आपतित किरण, देखिए ध्यान से, ए बी जो है ना यह हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ए बी आपतित किरण जो है ना परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस गुजरती है, किसे गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, और बी सी जो है ना आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। देखिए ध्यान से हम क्या लिखे यहां पे, एम एन, एम एन कोई एफ फोकस दूरी, आप देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या एफ फोकस दूरी है, एवं यहां से हमारा जो है ना आर वक्रता त्रिज्या वाला, एम एन जो है ना एफ फोकस दूरी एवं आर वक्रता त्रिज्या वाला कोई क्या है हमारा अवतल दर्पण है,
और आपतित किरण यानी आने वाली किरणें ए भी जो है ना दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से क्या होती है गुजरती है। उसके बाद जो है ना ये हमारा बीच में क्या होता है आपतित या हमारा होता है आपतन बिंदु दिखे ध्यान से। इस तरह से आपतित किरण परावर्तित किरण और बीच में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बीच में अभिलंब कहते हैं। वही हम इसको क्या लिखे बी सी जो है ना मेरा क्या अभिलंब है क्या लिखे बी सी आपतन बिंदु यहाँ हमारा बिंदु बी जो है ना हमारा होगा आपतन बिंदु ठीक है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है हमारा अभिलंब है। चलिए कौन देखिए कौन ए बी देखिए ए बी सी ए बी सी हमारा क्या कौन आई है आपतन कौन है ठीक है ना ए बी सी हमारा आपतन कौन है। उसके बाद ई वाला कौन देखिए आर को सी बी एफ सी बी एफ हमारा कौन सा कौन है परावर्तन कौन है। तो हम लोग देखिए प्रकाश के परावर्तन से ठीक है ना परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी कि आई बराबर क्या होगा आपका आर हो जाएगा। और आई का नाम क्या है कोण ए बी सी है और आर का नाम क्या है कोण सी बी एफ है। इसको बोले समीकरण पहला ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप सभी जो है ना नाइन्थ में पढ़ रखे होंगे कि जब दो कोई यानी कि जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इधर आपस में बराबर होगा ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा यानी कि जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं ये रेखा जो है ना इसके क्या होती है समांतर होती है समांतर है तभी ना फोकस से गुजरा है तो ई और ई हमारा क्या है समांतर है तो ई वाला कोण देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे ज्यामिति से ज्यामिति से तो ज्यामिति से क्या देखते हम लोग ई वाला कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा यानी कि कोण ए बी सी ई वाला कोण बराबर होगा कोण किससे ई वाला कोण तो बी सी एफ कैसे हो गया यह हमारा हो गया एकांतर कोण लिख दीजिए एकांतर कोण के नियम से इसे बोल देंगे समीकरण दो। लिखे ध्यान से यह बराबर कैसे हुआ यह दो रेखा समांतर है और यह क्या तिर्यक है तो ई वाला कोण बी सी ए बी सी और ई वाला कोण बी सी एफ यानी ई कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा एकांतर कोण से वही हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक और दो से देखिए क्या देखते हैं कि हमारा ए बी सी बी सी बी एफ के बराबर है फिर वही ए बी सी बी सी एफ के बराबर है यानी कि आपका बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी क्या होने वाला है बराबर होने वाला है। तो हमारा कोण जो है ना सी बी एफ जो है ना वो इक्वल हो जाएगा किसका ये वाला कोण बी सी एफ का। अब देखिए कहां पहुंच गए हैं ध्यान से देखिएगा तो आपका तो देखिए सी बी एफ है सी बी एफ ई वाला कोण ध्यान से देखिएगा बी सी एफ ई वाला कोण। अब देखिए हम लोग इस त्रिभुज में आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल आपस में क्या है बराबर है। और आप सभी जो है ना नाइन्थ में और एक चीज पढ़ के रखे होंगे से मान लीजिए हमारा क्या त्रिभुज है ए बी सी यदि किसी त्रिभुज का कोई दो कोण होता है बराबर मान लीजिए कोण ए वाला और ई वाला आपस में क्या है बराबर है ई कोण और ई कोण क्या है बराबर है तो त्रिभुज का नियम है यदि किसी त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर है तो उसका संगत भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी कि हमारा कोण जो है ना ए जो है ना कोण क्या है बी के बराबर है तो ए का सामने वाला भुजा कौन होगा हमारा बी सी और बी का सामने वाला कौन सा भुजा होगा ए सी ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। यदि हमारा दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा और दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। अब ये चीज जो है नाइन्थ में ही पढ़े
पढ़ चुके हैं, एसएससी 7 में ही आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। लेकिन ज्यामिति सही से पढ़िएगा ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत क्या, सिंपल से याद रखेगा कि त्रिभुज का यदि कोई दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होते हैं। कौन सा भुजा? तो संगत भुजा। जैसे हमारा कि ई वाला कोण इसके बराबर है तो इसका इसका संगत भुजा कौन होगा? ई वाला हो जाएगा आपका बी और एफ, बी और एफ। उसके बाद ई वाला कोण का सामने वाला ई, सी और एफ हो जाएगा बराबर। तो देखिए, तो हमारा सी बी एफ, सी बी एफ ई वाला, इसका सामने वाला कौन? ई वाला सी एफ हो जाएगा भुजा, सी एफ। अब बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, तो बी सी एफ ई वाला कौन का सामने वाला भुजा? ई वाला बी एफ, बी एफ। इसको बोले समीकरण तीन। एक दो तो हो गया ना, इसे क्या बोलेंगे? समीकरण तीन बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ तो हो गया, अब इसको यहाँ से हम गायब करते हैं क्योंकि जगत अभाव है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं, यहाँ तो हो ही गया। अब देखिए, ये जो दर्पण का जो द्वार है इसको क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। देखिए, ये जो हुआ ना, ये जो गोलाई हुआ, जो मोटाई हुआ ना, देखिए ये दर्पण का द्वार छोटका है, इसका क्या है? बड़का है। इसको दर्पण का क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे? यदि दर्पण का द्वारक कम हो तो, सुनिएगा ध्यान से, यदि इसका द्वार कम होगा तो ई वाला पॉइंट बी जो है ना पी पर आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, यदि इसको मोड़ेंगे ना तो ई वाला हिस्सा जो है ना यहां आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ई वाला इसके ऊपर हमारा बी एफ आके चढ़ जाएगा, यानी ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कब? जब दर्पण का द्वारा क्या होगा? कम होगा। तो हमने क्या लिखा? यदि दर्पण का द्वारा कम हो तो, ठीक है ना, तो बी जो है, बिंदु बी जो है ना, वह पी के क्या होगा? पी के सन्निकट होगा। क्या होगा? बी के सन्निकट होगा। इसका मतलब यह होगा हमारा ई वाला हिस्सा जो है ना, ई वाला हिस्सा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि पी एफ, क्योंकि ई आके यहां, देखिए ई टू बी एफ आके यहाँ पे बैठेगा। इसका मतलब ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा ना, तो ये पी एफ जो है ना हमारा बी एफ के क्या होगा? बराबर। इसको बोले समीकरण चार। क्या बोलेंगे? चार बोलेंगे। आप देखिए थोड़ा ध्यान से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तीन और चार से देखिए। तो दया पक्ष देखिए, यहाँ पे आपका बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है, दया पक्ष बराबर, तो दया पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आपका जो है ना पी एफ जो है बराबर हो जाएगा किसका? सी एफ का। चलिए, यहां तक हो गया। चलिए, आप काम हो ही गया है, टेंशन मत लीजिए। और दर्पण की सभी दूरी जो है ना दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। याद रखिएगा, दर्पण का जितना भी दूरी है दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। यहां तो हमारा P, दर्पण का ध्रुव तो है, क्या है P? अब देखिए, आपके सी एफ क्या इसमें P है? नहीं है। तो सी एफ ई वाला है, क्या है? ई वाला सी एफ है। तो अगर हम पी सी में इतना को चाहिए ना, सी एफ चाहिए ना, ये ना सी एफ है, सी एफ चाहिए। हम पी से लेकर ई, पी से लेकर सी में हम पी एफ को माइनस कर देंगे, कर दे माइनस, तो हमारा सी एफ ही बचा। देखिए, सी एफ चाहिए ना, तो हम पी सी में पी एफ घटा देंगे तो ये वाला भाग तो बचेगा हमारा, वही लिख दिए हैं। आप देखिए, चलिए पी एफ इधर लाएंगे, पी एफ हो जाएगा प्लस पी एफ, प्लस पी एफ, इधर हमारा क्या है? पी सी। तो पी एफ, पी एफ हमारा हो गया दो गो पी एफ, इसे क्या बोलेंगे? पी सी कहेंगे। और टू पी एफ, देखिए पी एफ को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं, लिखेंगे एफ। अब पी सी, पी सी सी को क्या बोलते हैं? आर। यह हो गया आर, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। या ठीक है, एफ बराबर ये गुनाम है ना, भेज दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा भाग में? या ई टू प्रूफ, ठीक है ना। बस आपको इतना ही करना, बहुत ईजी है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि हम क्या क्या किए हैं, किस तरह से किए हैं, ठीक है ना। बाकी बात आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए जो है ना बस यही तक करते हैं। बाकी बात अगला जो है ना कल इससे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और दो वीडियो में हमारा पूरा थ्योरम खत्म हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जितना कोई किताब का बचेगा तक किताब का सब क्वेश्चन सॉल्व।